हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, आप लोग टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज है कि 2023 से दोस्तों सैलरी पे 9% टैक्स लगेगा। तो किन की सैलरी पे टैक्स लगेगा दोस्तों, कितनी सैलरी होगी तो टैक्स लगेगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ में सुना होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कोई भी कानून बनता है किसी भी कंट्री के लिए, तो स्टार्टिंग में जो भी रूल होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर 2023 में कोई भी रूल लगाना है तो पहले ही गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर देती है। तो इसी तरह दोस्तों गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है, तो वीडियो पूरा देखना तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि अपडेट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ दोस्तों कि आखिर ये जो गवर्नमेंट टैक्स के बारे में, क्योंकि पहले ऐसा था दोस्तों यूएई में कि टैक्स फ्री था, इसलिए हर सामान यहाँ पर आपको पता है कि सस्ता मिलता था। बट बाद में क्या हुआ दोस्तों, 3-4 साल पहले की बात है कि 5%, आप लोग भी सामान वगैरह में देखता होगा, शॉपिंग करने जाता होगा, कुछ भी खाने पीने का सामान या कुछ भी सामान के लिए, तो उसमें 5% एक्स्ट्रा हम लोगों को टैक्स देना पड़ता था। बट पहले ऐसा नहीं था, जब हम 2010 में आया था दोस्तों उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था और सामान भी बहुत सस्ता था। बट अभी यहां दोस्तों सामान भी महंगा हो गया है, टैक्स तो है ही है। तो दोस्तों अब 9% टैक्स लगेगा, बट ये टैक्स दोस्तों अलग है। लोग बहुत सारा लोग वीडियो बना बना कर कन्फ्यूज़ कर रहे हैं लोगों को कि ये सैलरी पे टैक्स लगे, बट दोस्तों वर्कर की सैलरी की बात नहीं है, जिसकी सैलरी दोस्तों 3 लाख दिरहम से, ठीक है, स्टार्ट है, ऊपर है, उनके लिए दोस्तों इनका ये 9% टैक्स लगेगा। और जो कॉर्पोरेट, मतलब जैसे बिल्डिंग का बिल्डर है या बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन लोग, उन लोगों के लिए, जो वर्कर कैटेगरी के लिए दोस्तों, उन लोगों के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल ये भ्रम में ना रहना, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था दोस्तों कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, बट मैं बहुत सारे मेरे भाई लोग ने कमेंट कर करके पूछ रहा था कि क्या भाई दुबई में अब सैलरी पर 9% टैक्स लगेगा, क्योंकि हम लोग की सैलरी कम होती है, उस पर भी अगर 9% टैक्स लगा दिया जाए तो काट कूट के कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं ये क्लियर करने के लिए आप लोग के लिए वीडियो बना दिया कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सैलरी पे जो लगेगा दोस्तों, मान लिया 1000 बंदा 100-2000 जिसकी सैलरी है, उस पर क्या टैक्स लगेगी गवर्नमेंट? बट दोस्तों मैं जैसा बताया कि 3 लाख दिरहम से ऊपर जिसकी सैलरी है और जो यहाँ पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन पर यह इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, रह गया दोस्तों कि इस पे महंगाई पर बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पर जो टैक्स लगेगा दोस्तों, तो वो लोग भी क्या करेगा कि सामान पर टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, तो उससे इफेक्ट तो हमें होगा। बट दोस्तों हम लोग हमारी सैलरी से ज़्यादा ये 9% के ये जो टैक्स के बात हुआ है वो ऐसा नहीं होगा। तो ये अपडेट था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।